नमस्कार जोहार, मैं कृष्णा गुप्ता। चलिए जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरों को फटाफट तरीके से। गिरिडीह के कुटिया महावीर मंदिर में 3 दिवसीय राम जानकी विवाह महोत्सव शुरू। मद्रास हाईकोर्ट ने आईपीएस अफसर को दी सजा, धोनी ने किया था केस। सहायक टाउन प्लानर नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक और एसएलपी खारिज, हाईकोर्ट के आदेश को बदलने से एससी का इनकार। कल्याण आयुक्त ने मांगा ईओआई, स्वयं सेवी संस्थाएं पशुपालन और कृषि में ले सकती है फायदा। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण घोटाला मामले में पूर्व सीएम मधु कोड़ा के आरोप गठन से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए प्रार्थी ने मांगा समय। वंदना दालेल 16 से जाएंगी छुट्टी पर, अजय कुमार सिंह को कैबिनेट सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला। झारखंड में बीते साल अपहरण के 1265 मामले, इसमें 611 नाबालिग, हर 6 घंटे में एक अगवा। व पूर्वी सिंहभूम के 3-3 पर्यटक स्थल का होगा विकास, मिला ग्रेड। झारखंड में राज्य कर्मियों को पुरानी पेंशन चयन का है एक और मिलेगा मौका, मांगी गई रिपोर्ट। मधुपुर उपचुनाव में आचार संहिता उल्लंघन मामले में सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ पीड़ा कार्रवाई पर रोक जारी, महाधिवक्ता ने मांगा समय। 18 से 19 दिसंबर को बादल छाए रहने की संभावना, तापमान में भी दर्ज होगी गिरावट। झारखंड में पंचायत भवनों के निर्माण के लिए पैसे की कमी, सिर्फ 27 करोड़ जारी। चक्रधरपुर में यात्री ट्रेन को रोक मालगाड़ी पास कराने से नाराज यात्रियों ने ट्रेन रोक किया रेल चक्का जाम, रेल प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। विधानसभा का शीतकालीन सत्र की शुरुआत धीरज साहू के आईटी रेड मामले से शुरू। पीएलएफआई और भाकपा माओवादी संगठन के नक्सलियों के झारखंड समेत कई राज्यों के ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। डीडी में गड़बड़ी की शिकायत पर डोर स्टेप डिलीवरी के ठेकेदार साहू ब्रदर्स के आचरण प्रमाण पत्र मामले की डीएसओ ने की जांच की शुरुआत। हलारी थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों ने हाईवा को फूका, अरगोड़ा में हथियार के साथ अपराधी गिरफ्तार। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से, धारा 144 लागू होने के कारण इनका रखे ध्यान। विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार तक के लिए स्थगित, पहले ही दिन भाजपा ने कांग्रेस को घेरा, कैश कांड पर मुख्यमंत्री हेमंत से मांगा जवाब। कैबिनेट की बैठक में होंगे अहम फैसले, आरक्षण अस्पताल और स्थानीय नीति पर बन सकती है सहमति। कला दीक्षा का आयोजन अंतर्गत संस्कृति से युवाओं को जोड़ने के लिए संगीत नाटक अकेडमी झारखंड में वाद्य यंत्र बनाने व बजाने का खोलेगा सेंटर। रेपिस्ट बीजेपी विधायक को 25 साल की सजा, सजा कम करने के लिए गिड़गिड़ाया, नाबालिग से की थी दरिंदगी, जुर्माना के 10 लाख पीड़ित को मिलेंगे। मथुरा ईदगाह सर्वे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का इनकार, मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने श्री कृष्ण जन्म स्थान शाही ईदगाह के सर्वे का आदेश दिया। जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड तक बर्फबारी, दिल्ली में शिमला से ज्यादा ठंड, मध्य प्रदेश राजस्थान में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री, छत्तीसगढ़ में ओस जमी। शीतकालीन सत्र के 10वें दिन काम नहीं, सोमवार तक स्थगित, सोनिया 14 निलंबित सांसदों से मिली, जेडीयू बोली आरोपी मुस्लिम होते तो भाजपा हंगामा करती। लोकसभा घुसपैठ केस के मास्टरमाइंड ललित का सरेंडर, सबूत मिटाने के लिए चारों साथियों के फोन जलाए, सीन रिक्रिएट करके दिल्ली पुलिस। महुआ मोइत्रा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, 3 जनवरी को लोकसभा से निष्कासन के खिलाफ पिटीशन लगाई थी, कैश फॉर क्वेरी केस में सांसदी गई थी।